अरे लड़की ही तो गिरी है, भैंस गिरने जैसे चिल्ला रहे हो। अगर भैंस गिरी होती तो अच्छा होता। ए, मैं सूटकेस निकाल रही थी, तुम हट सकते थे ना। कब कौन गिरेगा बोलकर लाट टपकाते हो। कौन लाट टपकाता है? अपने आप को ऐश्वर्या समझ रही है, चल जा बैठ। हे, तू खुद को क्या समझता है? तू खुद को क्या समझती है? बहन जी, आप अपनी ये लड़ाई घर जाके कीजिएगा। चलिए बस स्टैंड आके उतरिए। अरे बाप रे। नमस्ते छोटी मालकिन। क्या बात है विजय? बस उतरने के बाद गाल दबाते हुए आ रहा है। आ? भाई, हंस क्यों रहे हो? ये डब्बा गाड़ी रखकर तुम्हें इतनी चर्बी चढ़ी है? डब्बा गाड़ी तेरी होगी, हमारी गाड़ी स्ट्रांग पहाड़ों पे एकदम चढ़ जाती है। तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी गांव में जाती है देख ले। देख लेते हैं। अगर मैं पहले गांव में पहुंच गई तो मैं अपने चप्पल से तुम्हें मारूंगी, क्यों मंजूर है? और अगर मैं पहुंच गया तो तुझे कस के पकड़ के इच्चे इच्चे करके किस करेगा, बोलो मंजूर है? मंजूर है। ए, तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगी। चल रही बाहर निकल। अब तू क्या कहती है? ये क्या बोलेगे विजय, शर्त के मुताबिक तुम जीत गए, अब इसे पकड़ के इंग्लिश किस, ओनली लिप्स। या जहां तहां मुंह मारूंगा तो मुझमें और कुत्तों में कोई फर्क नहीं रहेगा, मेरी माँ कहती है। You stupid. लो आ गया। देखिए मेरा बेटा आ गया। मेरा राजा बेटा, तो अच्छा है ना? मैं अच्छा हूँ माँ। एग्जाम्स अच्छे लिखे हैं ना? अच्छे लिखे हैं पिताजी, मैं फर्स्ट क्लास में पास होऊंगा। रुक 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 रुक, पूरे गाँव की नजर तुझ पे गड़ी होगी। पहले तेरी नजर उतारती हूँ। मंगू, इसे ले जाकर बाहर फेंक दे। जीता रहो बेटे। जीता रहे बेटे, जीता रहे। चलो सामान अंदर ले आओ। जंगली मानव जी, फरमाइए। आज तुम्हारे माथे पर क्या है? बी बी यानी बी फॉर बेवकूफ। बेवकूफ बोलकर मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? अपनी तरफ करना।
हाँ, आज गांव में क्या खास बात है? मानसिंह की बेटी मल्लिका, रॉबर्ट की बेटी जूली और पांडे की बेटी रेखा, वो तीनों की तीनों एक साथ में। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। प्लीज सिट डाउन। वो तीनों की तीनों लड़कियाँ कल मेजर होने वाली हैं। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? मालिक आ गई। वो तीनों की तीनों आ गई क्या? अरे छोटी मालकिन आई है। छोटी मालकिन आई है? आई है। आओ मीना। नमस्ते छोटी मालकिन। मालिक, ये छोटी मालकिन पैंट पहन के आई है। जब गए थी लड़की बन के आई है लड़का बन के। कहीं कॉलेज में तो ये बदलाव नहीं हो गया है? श्याम लाल जी, छोटी मालकिन शहर में पढ़ती है ना, ये उसी शहर की स्टाइल है। क्या हुआ इस लड़की को जो इतने गुस्से में जा रही है? अरे बाप रे, तेरा सिर इतना क्यों उबल रहा है? क्यों नहीं जाए? हॉस्टल में तेल की मालिश नहीं करता था क्या? हॉस्टल में ये सब नहीं होता है पिताजी। ओफ, वो बहुत दर्द हो रहा है पिताजी, धीरे करो। चिल्लाता क्यों? रुकना, आज के जमाने के बच्चे तो बस जरा सा छुओ तो वैसे चिल्लाते हैं जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। बेटे, तेरी उम्र में मैं कैसा था तुझे मालूम है? कैसे थे? तेरे बाप को जो भी देखते थे एक मिनट के लिए वहीं रुक जाते थे और मुझे निहारते रहते थे। इनकी माइक टायसन की बॉडी देखकर तो मैं भी लुट गई थी। क्या कुश्ती लड़ते थे। ए बुढ़िया, पुरानी बातों को ज्यादा याद मत कर। हाँ, शादी से पहले तो मेरे पीछे घुमा करते थे, अब मैं तुम्हें बूढ़ी लगती हूँ क्या? ओ, तो तुम दोनों का भी लव ही था ना? हाँ बेटे, लव भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह। उसी लव के भाव में तो तुम दोनों भाइयों का जन्म हुआ है। अरे ये क्या इस तरह की बातें बच्चों से कर रहे हो? चाची, दही वड़े बनाने के लिए थोड़ी दही मिलेगी क्या? अरे चाची यहाँ खड़ी है, नजरें मेरे लड़के पर क्यों जमा रही है? मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, किसी के भी घर में कोई जवान लड़का दिखाई नहीं देना चाहिए। आ जाएंगे कमर हिलाते हुए, दही चाहिए बोल के। हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ही घर में लड़का है। हारी, इसे मैंने ही जन्म दिया है, जा तेरे लिए कोई दही वही नहीं है, जा। हे बुढ़िया, उसकी नजरें ठीक नहीं है। हाँ, जैसे ये नहा लेगा, हाँ, दो तीन सूखी मिर्चियाँ लेकर, हाँ, इसकी नजर उतार देना। मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है, जा 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 जा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीढ़ियों पे बैठे हो ना, इसलिए भीख डाली है, बन खरीद के खा लेना। क्यों रे, मंदिर में ऐसे कपड़े पहन के आते हैं? मल्लिका शरावत के स्टाइल में आई है। ये कैसा ड्रेस है? आगे से आधा गायब है, पीछे से पूरा गायब है। क्यों बे, हमारी छोटी मालकिन से आंखें मिलाता है? हाँ तो बच्चों, हम थोड़ी आगे चली खेले। Ha ha ha!
एए, मेरा भाई कौन है पता है? ठाकुर भवानी सिंह, मैं उनका छोटा भाई हूँ, ये याद रखना। क्यों रे बेटे विजय, तुझे इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी? तूने जो पढ़ाई की उससे बढ़िया ऑफिसर बने बिना उस मवाली की बहन से झगड़ा क्यों मोल लेता है? ये क्या माँ, उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो आकर मुझे ललकारे, मैं उसका घमंड तोड़ के रहूंगा। ये हुई ना बात। क्यों बेटे, अगर कुत्ता काटे तो हम वापस कुत्ते को काट लें? ये सब करना छोड़ दे बेटे, तेरे भाई ने गुस्से में जो किया और आज जेल में बंद है, ये क्या हमारे लिए काफी नहीं? अरे बच्चे के सामने इस तरह क्यों बोल रही है? हमारे दोनों लड़के शेर है बब्बर शेर, जल्दी किसी से उलझते नहीं, अगर उलझ गए तो सबक सिखा कर ही रहेंगे। ये हुई ना बात पिताजी। ये क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम ही इस तरह से बोल बोल कर बच्चे को बिगाड़ रहे हो। मुंह बंद करके खाना खाओ। मुंह बंद करूंगा तो खाऊंगा कैसे? हाँ कैसे? ये क्या तुम बाप बेटे को मजाक सूझ रहा है? चुपचाप खाना खाओ। ए, हमारे विजय को इसने गुंडों से पिटवाया ना, हाँ। अब ये कार गोबर से सजाएंगे। शुरू हो जा। का सारा गोबर उसी की कार पर है। वो तो बदबू से मर गई होगी। हमारे हाथों से बदबू अभी तक नहीं गई है। सड़क क्या इसके बाप की है जो हम सड़क से हट के चले? पूरे रोड पे चलो। ए, संभल के। आने की जरूरत नहीं है, दो दिन में ठीक हो जाएगा। ये दवाई लाके दे दो। ए, तुम लोग इसे पास ही रहना, मैं दवाई लेके आता हूं। ए, तुम कहां जा रहे हो? मैं लौटकर बताएंगे, चल बे। ए, ज्यादा मत पी यार, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। चल अंदर खिसक कर बैठ, चल खिसक। पागल हो गया है विजय, तू मेरे इस प्लान में टांग मत अड़ा। अगर टांग अड़ाई तो हमारी दोस्ती खत्म समझ ले। हाँ तुम घर जाओ। ए विजय।
किसी भी लड़की के लिए जान से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है। अगर तुम इन फटे कपड़ों में यहां से गांव में जाओगी तो पूरा गांव तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। ये लो, ये पहन के जाओ। और सुन, अब से अपना पैसों का घमंड दूर करके लड़कियों को जिस तरह से रहना चाहिए वैसे रहना सीख, समझ गई? अब जा। ए, I'm sorry यार, उसने भले ही हमारे साथ जो कुछ भी किया लेकिन किसी लड़की की इज्जत से खेलना पाप होता है। अब मैं जाता हूँ। जय हनुमान, जय जय बजरंग बली। कबड़े 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 कबड़े। ए, मीना आई है। हाय फ्रेंड्स, कबड्डी खेल रहे हो? नहीं, टेनिस। ए, मैं भी खेलूंगी, मुझे भी खिलाओ ना। ए, तुम लोग चुप रहो, ये खेल लड़कों के खेलने का है, तू घर जाकर अपनी गुड़िया से खेल ले। ए विजय, इस तरह से नहीं बोलते यार, ये हसीन मौका है भैया, लड़कियों का दिल नहीं दुखाते भैया, बुजुर्गों का कहना है, इसलिए उसे मना मत करो, उसे बुला लो भैया। वो खेलेगी तो मैं नहीं खेलूंगा। क्यों, मेरे साथ खेलने पर हार जाओगी, इस बात का डर है? मुझे और डर? भवानी सिंह के छोटे भाई को डर? चला जा। बेबी जल्दी आओ। तुम सबके साथ? विजय, सिर्फ तुम और मैं ही खेलेंगे, दोनों का मुकाबला। क्यों, हमें क्या कमी है? ऐसे वैसे लड़कों के साथ मैं कभी नहीं खेलती हूँ, ओनली विद हीरो। हमारी तो किस्मत ही फूटी है, तो खेल यार, हम साइड में बैठ के देखते हैं। ठीक है, तो पहले तू आ। कबड्डी 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 कबड्डी। ए, ये क्या, तू क्या ड्रैगुला है जो कान काट रही है? तेरे साथ खेलने में खतरा है। अब समझ में आ गया कि लड़के लड़कियों से किस तरह से हार जाते हैं। लड़कियों में जरूर कोई बात है। ये क्या, नींद में कबड्डी खेल रही है? कबड्डी? क्या है ना भाभी, कबड्डी खेलना मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए शायद नींद में। तो उसके लिए आधी रात में चुपचाप सो जा। कबड्डी 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 कबड्डी। ये क्या बेटे, तू ये क्या बोल रहा था, क्या बड़बड़ा रहा था, इस आधी रात में तू कबड्डी खेल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है माँ,
दरअसल कल मैं दोस्तों के साथ कबड्डी खेला था ना, हाँ। उसी का सपना था बस, और कोई बात नहीं।, नहीं बेटे, लगता है जरूर तू कुछ देख के डर गया है। अब मैं क्या करूँ? हाँ? हे अम्बे जगदम्बे, मैं तुम्हारे नाम पे नारियल चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे को बुरी नजरों से बचाना। तू सोचा बेटे, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तुझे मंदिर ले जाऊंगी। जमाना बहुत खराब हो गया भैया, 60 साल का बुड्ढा 16 साल की लड़की से शादी करता है। बेचारी लड़की। यार हमारी बात सुनो, कैसा ये इंसाफ सुनो। हे रो क्यों रहा है? बुड्ढा मंगल सूत्र पहनाते हुए कांपता है, स्वागत कैसे मनाएगा? अगर ऐसी बात है तो एक रास्ता है, मेरे जैसे एक स्मार्ट लड़के को देखकर अंदर भेजना काम हो जाएगा। क्यों रे लड़कों, बुड्ढा तुम्हारे लिए मजाक बन गया है? मुंह में दांत नहीं तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। ओल्ड गोल्ड होता है रे। लगता है बुड्ढे की जवानी अभी तक नहीं गई। मेरा निशाना कैसा रहा? इंग्लिश फिल्म। छू मत। क्यों बे, कोई भी लड़की लेटर फेंकेगी तो क्या उठा ले? मुझे क्या दुम हिलाने वाला कुत्ता समझा है? चलो चले यहाँ से। बाप रे, अच्छा है कोई नहीं है। छूना मत। ए, मैं धूम हिलाने वाला कुत्ता हूं क्या? ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। थोड़ी देर पहले तूने ही बोला था। हाँ? कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे तितलियां पकड़ने के लिए आया था। छी, भाग यहाँ से। फूल तुम्हें भेजा है खत में। ये फूल नहीं, उसका दिल है। सुन भैया, किसी ने इसे बड़े प्यार से फेंका है, उठा के पढ़ ले, दिल को शांति मिलेगी। डियर विजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो प्लीज। अगर तुम मान गए हो तो फौरन मेरे पास दौड़ कर आकर मुझे चुमा दो। तुम्हारी मीना। आई, इंग्लिश फिल्म। ए, अब तू क्या करेगा, उसे लेके भाग जाएगा? है, छोड़ना। ए, लेटर की टाइपराइटर आ रही है। ये क्या, वो मुझे देखते हुए आ रही है? अरे बाप रे। अरे बाप रे। क्या हुआ, टक्कर जोर से लग गई? मेरी बात सुन, तू मुझसे बेकार में पंगा मत ले, क्योंकि अगर मैंने टक्कर मारी तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, मारना, मैं भी तो देखूं तुम्हारी टक्कर। अच्छा तो ये बात है, अभी दिखाता हूँ। आई, इंग्लिश फिल्म। बी केयरफुल। कहाँ भाग रहे हो? मेरे लेटर का जवाब? क्या जवाब चाहिए? ओहो, मुझे छोड़ दे। बिचें, बिचें, बिचें। भी एक चुंबन देगी? अपना हाथ हटा। क्यों, तू इसका वो है क्या? पहले हाथ हटा। नहीं हटाया तो तू क्या करेगा? हाँ? Yeah.
आखिरकार मैं जीत ही गई। ये क्या विजय, मैं कितनी मुश्किल से उस पहाड़ी पे चढ़ी और तुम हो कि यहीं पे बैठे हुए हो। मीना, अपने प्यार से हारने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है। अरे मीना, अगर मैं तुम्हारे साथ भागा होता ना तो तुम हार जाती और हारने पर फूट फूट कर आंसू बहाती। मीना, तुम्हारी आंखों में अगर भूल से भी आंसू आ जाएं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ये बात धर्मवीर को नहीं बताई तो मेरे सीने में दर्द होने लगेगा। क्यों बे? तेरी इतनी हिम्मत कि धर्मवीर की इज्जत से खेलने की कोशिश की? कुत्ता जानवर की हड्डी खाए तो सही रहता है, लेकिन अगर जानवर को ही खाने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। नहीं भैया, नहीं, विजय को कुछ मत कीजिए भैया, सजा देनी तो मुझे दीजिए भैया। भाभी भैया तो बोले ना विजय को ना मारे। ए, उसे ले जाके कमरे में बंद कर दो। ला रहे वो हंटर ला। ये लीजिए मालिक। हटो। धर्मवीर, ये तो कैसा अन्याय कर रहा है? इसमें अन्याय की क्या बात है, गांव की पंचायत का फैसला यही तो होता है। हमारे गांव में किसी और जाति वाले से बात करना भी पाप है, और तुम्हारे लड़के ने दूसरी जाति की लड़की से प्यार किया, ये कितना बड़ा पाप है, और वो भी किस लड़की से? मालिक की छोटी बहन से। तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे सबक नहीं सिखाना होगा? अब तेरे बेटे ने जो किया उसकी क्या सजा है? बाप के हाथ में हंटर देके बेटे की चमड़ी उधड़वानी होगी, यही इसकी सजा है। हाँ मालिक, यही सजा है। अब तू क्या कहता है, हंटर तू मारेगा या फिर मैं मारूं? मैं खुद मारूंगा, मैं मारूंगा। छोड़ दूंगा क्या? चल रही उल्लू की पट्टी। अरे चल, अरे छोड़ दे इसे। अरे चल, जा रहा है। माजी, चल। ए, क्यों रे? तू इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है? छोड़ दे इसे, छोड़। जा भैया। माजी। ए, चल। चल। छोड़ मेरा हाथ। माजी, माजी, अब मेरे गले में आपके बेटे का पहनाया मंगलसूत्र होगा, नहीं तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। माजी। आ चल। छोड़ माजी, छोड़ मुझे। भवानी, भवानी। ये क्या भवानी, तेरी माँ इस तरह दौड़ती हुई आ रही है? अरे बेटे, क्या हुआ माँ, भागती क्यों आ रही है? भवानी बेचारी महेश्वरी हमारे घर आई थी, वो राकेश उसे मारता हुआ अपने साथ ले गया। भवानी, वो जाते समय क्या बोल के जा रही थी पता है? या तो भवानी का पहनाया मंगलसूत्र मेरे गले में होगा, या फिर मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, ऐसा बोलकर जा रही थी। उसे किसी भी तरह बचा ले बेटे, ये ले बेटे। माँ, सोच क्या रहा है तू? क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, वो लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए, लेके जाओ और उसे पहना दे। जल्दी ले बेटे। तू यहाँ क्यों आया है? किसी को ढूंढने आया होगा,
और वो भी अपनी अनारकली को ढूंढते हुए नहीं आया, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए आया हूँ। हाथ रहेंगे तभी तो पहनाएगा ना, इसके हाथ काट दो। तू तो कल शादी करने वाला था ना, मैं इससे अभी शादी करके इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। अब तो उससे कुछ नहीं होगा, अबे देखता क्या है। महेश्वरी, हे महेश्वरी, ये क्या, पहले मुंह खोलती थी तो बंद नहीं करती थी, जो मन में आए बोलती रहती थी, अब क्या हुआ? ये क्या महेश्वरी, आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं, मेरे मन की मुराद जो पूरी हो गई। पगली, हम जिसे चाहें उसके बदले अगर हमें चाहने वाला कोई मिल जाए तो भाग्यशाली कहते हैं। तो मेरी बीवी बनी उसके लिए, मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। बुझा तो सही। बुझा ही तो रहा हूँ। लाइट कह रही है। हाँ, 25 साल गुजर गए। हाँ। ऐसे लग रहा है जैसे कल ही गुजरी है। क्या गुजरी है? हमारी सुहागरात। ओहो, छोड़िए भी। घबराती हुई दूध का ग्लास लेकर अंदर आई। हाँ। और जैसे ही मैंने तेरा हाथ पकड़ा तू घबरा गई और दूध का ग्लास नीचे छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने तुझे। ओ, आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? तू तो ऐसे शर्मा रही जैसे आज हमारी सुहागरात हो। तो क्या, बेकार में मुझे याद दिला रहे हैं। अच्छा, याद आ गया, अरे वाह। कुंवारी नहीं मर रही हूँ, आपकी सुहागन बन के मर रही हूँ। इतना ही नहीं, आपकी गोद में
देख लेगा। इससे भी ज़्यादा मुझे मुझे और क्या चाहिए? इनका भक्तों ने मेरे घर में अंधेरा कर दिया रे। इच्छाएं थी उसकी, बेचारी का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ दिया। मेरा बड़ा लड़का जेल चला गया, अब मैं अपने इस बेटे को सीने से लगाकर इकलौते बेटे के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे इस बेटे को भी हमसे दूर मत करना बेटी। मेरी बात सुनिए, मैं इस गले में विजय का हाथों मंगलसूत्र पहनूंगी, बस यही मेरा फैसला है। आपकी बहन ने तो फैसला बता दिया है, अब आपका फैसला क्या है? अब तू उससे मिली या उसकी तरफ देखा भी तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है, तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ? क्यों मिलने से क्यों मना कर रहे हो? वो अच्छा इंसान नहीं है या वो किसी अच्छे परिवार से नहीं है? ए, जो मुझे पसंद नहीं वो इस घर में तो क्या, इस गांव में भी नहीं दिखना चाहिए। सुनिए, लड़की तो हमेशा पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसकी किसी से शादी करानी ही होगी, तो क्यों ना उसके पसंद के लड़के से करा दी जाए। सही कह रही है, अगर ऐसा करने लगे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गाय भैंस चराने वाला ब्राह्मण की बेटी को मांगेगा, मोची का बेटा ठाकुर की बेटी को मांगेगा, और अगर ऐसा ही रहा तो गांव में कोई जाति ही नहीं रहेगी। ऐसा उस जाति का हमारी जाति से कोई मेल नहीं है, याद रखना। इसी तरह पूरी जिंदगी जातियों के चक्कर में पड़े रहना। लेकिन प्यार की कोई जाति नहीं होती, दो मन होते हैं। पहले ये दिमाग में बिठा लो। मैं क्या दिमाग से पैदल हूँ? हे मीना, विजय, विजय, मीना, विजय, कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विजय, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, प्लीज। मीना, मीना, बाप रे, अरे वाह, विलन चला गया। विजय, कुछ भी करके मुझे अपने घर ले जाओ, अब मैं एक पल भी तुमसे अलग होकर नहीं रह पाऊंगी। विजय, तुम क्या समझती हो मैं तुमसे अलग होकर रह सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें अपने घर ले गया तो तुम्हारा भाई हम सबको जान से मार डालेगा, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर भाग चलते हैं। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलो।
चलो वहां चलते हैं। मीना, जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम लोग यहीं रुक जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे कपड़े कितनी बुरी तरह से भीग गए, मुझे ठंड भी लग रही है, अब मैं क्या करूं? ठंड लग रही तो मुझे पकड़ लो, मैं मना थोड़ी करूंगा। मेरे साथ ऐसी मजाक मत करना। ठीक है आप तुम अपने कपड़े उतार कर सुखा लो, बाद में पहन लेना। तो अपनी आंखें बंद करोगे ना? वो किस लिए? प्लीज 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 विजय, अपनी आंखें बंद करो ना। ओके ठीक है ना। गुड बॉय, तुमने मेरा कहना मान लिया। हाय, बड़ी सोनी लग रही है। क्या बात है। सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। कर ले चाहत से दामन भर ले, सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। छूने की तुझको पाने की आशा है, तेरी सांसों में अब घुल जाने की आशा है। तू अपने साथ मेरी बेताबी को लाता है, तू जब जाता है मुझे बेचैनी दे जाता है। मस्ती से तन मन अपना भीग गया है ये जानम, मस्ती में डूब गई दिल की धड़कन ये जानम। ना डर ना गम है कोई, हम है और कोई नहीं। सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। पूरे करने का ये मौसम है, एक दूजे की बाहों में खो जाने का मौसम है। चाहत की हर सरहद हम मिलके पार करेंगे, उल्फत के सारे सबक हम पलभर में पढ़ लेंगे। आके तू मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं। जानम तू मेरा हो जा, मैं भी तेरी हो जाऊं। तेरा ये
प्यार मिला जैसे संसार मिला। सावन में ये रिमझिम रिमझिम शबनम बरसी, दिल की सांस से मीठी मीठी सरगम बरसी। सावन में ये रिमझिम रिमझिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। आया ये प्यार का मौसम, दिल से दिल का ये संगम। आया ये प्यार का मौसम, दिल से दिल का ये संगम। जो चाहे वो कर ले, चाहत से दामन भर ले। सावन में ये रिमझिम रिमझिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। की गोद नहीं मिली तो आशिक की गोद में लेटना चाहती है। भैया, मुझे छोड़ दो भैया। मेरी बहन तेरे सपनों में भी नहीं आनी चाहिए। सपनों में ही नहीं, वो तो मेरे दिल और दिमाग में छाई हुई है। कहते हैं माँ बाप के पाप बच्चे भुगतते हैं, लेकिन अब बच्चे के पाप माँ बाप भुगतेंगे। कल इसके पूरे परिवार की समाधि बना दो। गणपति मंदिर के पास माँ जी बाबूजी और विजय की जिंदा समाधि बना रहे वो धर्मवीर। इधर सुनिए भैया, यहाँ से शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी करो, ईंट लगाओ। अरे जल्दी जल्दी काम करो ना, इधर सपन करो।
कितनी बढ़िया समाधि बना रहा है। अकबर ने तो अनारकली को जिंदा दीवारों में चुनवाया था, लेकिन मैं प्यार करने वाले के खानदान की समाधि बना रहा हूँ। आज के बाद इस गांव में कोई मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है करो, माँ और पिताजी को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति और बेटे को छोड़ दो। एक दूसरे के बिना तुम जिंदा कैसे रहोगे, इसीलिए सबके एक साथ समाधि बना रहा हूँ। ढक्कन डाल के बंद कर दो, बिना हवा के मर जाएंगे। सी फॉर क्लोज, यानी कि पूरा परिवार क्लोज। तू आ गया बेटे। ये काम किसने किया पिताजी? ये सब उस कमीने धर्मवीर का काम है। भवानी, आते हथियार उठाकर तू कहाँ जा रहा है बेटे? आज उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं बेटे, रहने दे बेटे, इतने सालों के बाद तू आज आया है बेटे, फिर से किसी को मारकर तू जेल मत जा बेटे। जो लड़ाई हिंसा से नहीं जीत पाए हैं, गांधीगिरी से जीतेंगे। गुस्सा थूक दे बेटे, अपनी माँ की बात मान ले। सब लोग ध्यान से सुनो, पसीना किसी का बहे और मजे कोई और उड़ाए, अनाज कोई और उगाए और रोटी बनाकर कोई और खाए, ये रिवाज आज के बाद इस गांव में नहीं चलने दूंगा। इस गांव में अब कोई अन्याय नहीं होगा। अगर फिर भी किसी ने कोशिश की तो मैं नहीं बोलूंगा, ये हथियार बोलेगा। भैया मुझे माफ कर दो भैया, इन सब का कारण मैं ही हूँ भैया। ये तो क्या कह रहा है? ऐसा मत कर, कितनी बार समझाया पर ये माना ही नहीं। हमारे घर की बहू बनी थी महेश्वरी, उस परिवार ने उसका खून किया है, ऐसे परिवार से भला हमारा क्या संबंध? पहेली मत बुझाओ, मुझे बात बताओ। तू घुमा फिरा के क्यों बोल रही है? भवानी, धर्मवीर की बहन और ये विजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात तो धर्मवीर जान गया, उसने बहुत कोशिश की पर वो इन्हें अलग नहीं कर पाया, इसलिए जब उसका बस नहीं चला तो उसने हम तीनों को मारना चाहा। तो असली बात यह है भैया, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई है। हे, ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरा ये भाई भी प्यार की पूजा करता है, मैंने भी किसी से प्यार किया था, मेरी बदकिस्मती हम साथ में नहीं जी पाए। हे, तू जिससे प्यार करता है वो कहीं की राजकुमारी क्यों ना हो, तेरी शादी उसी से कराऊंगा। हम सोचते कुछ है होता कुछ है, अब वो भवानी सिंह आ गया है, इस गांव में धर्म और न्याय की ही बात कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गांव का प्रधान बन जाएगा और हम गांव के भिखारी बन जाएंगे, तब खाने पीने के लिए क्या करेंगे? क्यों रे,
ये धर्म भी ऐसे ही छोड़ देगा क्या? तो अब आप क्या करने वाले हैं? खून करके जो जेल जाकर आया है वो इस गांव में नहीं रहना चाहिए ऐसा पंचायत में फैसला सुनाकर उसके खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगा। अरे वाह 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 वाह, किसी का घर तोड़ना हो तो इन्हीं के पास से आइडिया लेना चाहिए। मैंने भी तो इन्हीं से आइडिया लिया था। तो क्या इसीलिए तुम्हारी पत्नी भाग गई? एक काम करें, अभी पंचायत बुलाएं। पिछले साल तुम्हारी पत्नी भागी थी, पंचायत बुलाकर क्या करोगे? अरे वो बात छोड़ो भैया, इस बात के लिए पंचायत बुलाए कि नहीं। तो तुम क्या समझते ये मना करने वाले हैं? बोल मत, करके दिखा। हां देख लिया। सभी गांव वालों को ये संदेशा दिया जाता है, कल सुबह प्रधान के घर पर पंचायत बैठेगी, सब लोग बिना भूले वहां पर आ जाना। चलो 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 चलो, ठीक है, चलो पंचायत बुलाया है, करेंगे ना। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, पूरा गांव यहाँ चला आया है? गांव में ढिंढोरा पिटवाया था ना कि पंचायत लगेगी, इसलिए आए हैं। पंचायत तो धर्मवीर के यहाँ लगती है, यहाँ पर क्यों आए हो? भैया जब इस गांव में अत्याचार होते हैं तो देखने वाला कोई भी नहीं था। अब गांव की भलाई के लिए भवानी आ गया है ना। अब से भवानी सिंह ही हमारे सब कुछ है। भवानी सिंह की बात मानकर चलने के लिए ही हम सब यहाँ आए हैं। अरे तुम लोग चुप क्यों हो, बोलो ना। भवानी, जब तू खून करके जेल चला गया था, तेरे वापस आने पर गांव वाले कैसा व्यवहार करेंगे सोचकर परेशान थी, समझले में मर मर के जी रही थी। लेकिन आज तेरे पैरों की धूल अपने माथे पर लगाने के लिए तैयार है ये गांव। हम सब भवानी जी को मुखिया मानते हैं, अब वो ही इस गांव के फरिश्ता हैं। आज से यही हमारे मुखिया हैं, इन्हीं के बात हम मानेंगे। तू कुर्सी को ढूंढकर नहीं गया बेटे, कुर्सी तुझे ढूंढती हुई आई है, उसे अपनाने में भलाई है। और उससे भी ज्यादा, जो लोग तुझ पे भरोसा करके आए हैं उनका भरोसा ना तोड़ बेटे। मालिक, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भवानी भैया को बाहर आने के लिए कहिए, हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, हमें आजाद कराइए। ठीक है तुम लोग यहीं रुको, मैं भवानी को लेकर आता हूँ। जी अच्छा। आप सबको नमस्कार। मेरा ही नहीं, जीना हर एक का हक है। कुर्सी से प्यार पाने वाला सच्चा प्रधान नहीं होता है, प्यार से कुर्सी पाने वाला ही सच्चा प्रधान होता है। आज इसी समय से मैं तुम्हारा प्रधान बन के नहीं, हम सफर बन के रहूंगा। मुझे अपना समझकर अपनी कमियां मुझे बताइए, अपनी जान पर खेल कर मैं उन कमियों को पूरा करूंगा। अपना प्लान कामयाब हो जाएगा सोचकर आपने ये पंचायत बुलाई। अब क्या हुआ, गांव के सारे भूखे नंगे भवानी सिंह की ओर हो गए, वो बिना इलेक्शन लड़े ही प्रधान बन गया। आपकी तो जमानत ही जब्त हो गई। जमानत जब्त हुई तो क्या हुआ, और क्या जाना चाहिए, इनकी इज्जत चली गई है। इस गांव में मालिक इज्जत वाले हैं, जहां भी जाते वहां लोग खड़े हो जाते थे। इज्जत चली गई उसके लिए चुल्लू पर पानी में डूबने के लिए कह रहे हो या आत्महत्या करने के लिए कह रहे हो, अब क्या सोच रहे हो? अब आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। नमस्ते मालिक। हाँ भैया, क्या बात है? मालिक, अपना पेट काटकर, बच्चों का पेट काटकर, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर एक घर बनाया, वही घर मैंने मंगल के यहाँ गिरवी रखकर 2000 रुपये उधार लिए। जो मैंने उधार लिया उसे कहीं ज्यादा ब्याज दे चुका हूँ, अब कागजात वापस मांगने पर वो वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, तुम अपने घर जाओ, पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद मालिक, मैं मंगल से मिल के आता हूँ। भैया, छोटी सी बात के लिए आपका जाना ठीक नहीं है, अपना गमछा दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये क्या कह रहे हो भैया, आप अपनी ताकत के बारे में खुद नहीं जानते, पहले गमछा तो दीजिए फिर देखिए क्या होता है। गमछा दीजिए ना भैया। उस मवाली के लिए मालिक का एक गमछा ही काफी है। मंगल कहाँ भारा? कौन हो भाई? अच्छा तो तुम हो, ये क्या है, तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है। जब गांव ही बदल गया, मेरा हुलिया भी बदल गया। ये हाथ में गमछा किसका है? ये कोई मामूली गमछा नहीं है, ये ठाकुर भवानी सिंह का गमछा है। क्या हुआ जंगली, कैसे आना हुआ? हेलो श्यामलाल, तू कैसा यार?
तू इतना बड़ा हो गया कि मेरा नाम लेके बुला रहा है? शुक्र मनाओ, इज्जत से बुला रहा हूँ। नहीं तो मुझे जानते हो ना, ये देखी धोती 299 रुपए 99 पैसे की है। ये तो ऐसे बोल रहा जैसे बाटा शू कंपनी का रेट हो। अरे ओ भैया, इस गांव में किसको धोती पहननी चाहिए किसको नहीं पहननी चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। तो तू क्या करेगा? अब मैं धोती नहीं पहनने वाला हूँ। ये कैसा लगा? बिल्कुल सही है, अब से ऐसे ही रहूंगा, बढ़िया हवा आती है। तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए एक आ गया है, इसलिए सावधान रहना। पैसे हड़प के घर के कागजात भी न देके बेचारे मनीष को धमकाता है तू? सूरज ढलने से पहले मनीष का घर के कागजात मिल जाने चाहिए, नहीं तो गमछा नहीं आएगा, मालिक का हथियार आएगा। हथियार आया तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर से 10 इंच छोटा हो जाएगा। समझ गया ना, चलते हैं। ये क्या भैया, ये इस तरह से बोल के जा रहे हैं? चिंता मत कर, कागजात देने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैं संभाल लूंगा। किसे? सर कटने के बाद मेरे धड़ को? नमस्ते मालिक। ओ मंगल सिंह है। मालिक ये लीजिए मनीष के घर के कागजात, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब याद रखना, आइंदा कभी भी गरीब लोगों के पेट पर मारने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब तुम जाओ। धन्यवाद मालिक। भैया ये पेपर ले जाकर मनीष के घर पे दे दो। जी बहुत अच्छा। सुंदरी के घर गए थे क्या? शादी करके लौट रहे हैं। नमस्ते मालिक, आपकी बात मानकर सुंदरी से मैंने शादी कर ली, हमें आशीर्वाद दीजिए मालिक। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। नमस्ते। नमस्ते। पूरे गाँव का अन्याय करते हो, लेकिन मुझ अबला के साथ न्याय नहीं करोगे क्या? क्यों, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं आपके छोटे भाई के ऊपर जान छिड़कती हूँ, शायद आप जानते होंगे। आपके भाई के लिए पता है मैं कितने जुल्म से रही हूँ, ये सब जानते हुए भी आप क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? अब जब आएंगे तो हमें एक करा देंगे, ऐसा हमें विश्वास था, लेकिन अब वो विश्वास भी टूटता जा रहा है। मीना, अगर मैं पहले वाला भवानी सिंह होता तो जिस दिन मुझे पता चला था उसी दिन तुम्हारी शादी करवा देता, लेकिन आज मैं प्रधान बनकर लोगों का न्याय करता हूँ, गांव के लोग मुझे इज्जत देते हैं, उस इज्जत को मैं अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करूं उसके लिए आज तक मैं खामोश रहा हूं। अभी तुम अपने घर जाओ, कल रीति रिवाज के साथ तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अब तो खुश हो ना? प्रधान जी, हमेशा तुम्हारा गमछा आया करता है, आज तुम खुद चले आए, वो भी फूल फलहार के साथ, कोई मन्नत मानी है क्या? भैया छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, एक दूसरे को भा गए हैं, अब उनकी आशाओं को पूरा करना ही हमारा फर्ज बनता है। हाँ धर्मवीर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मंगनी की रस्म निभाकर अच्छा मुहूर्त देखकर इनकी शादी कर देंगे। ये बात है, ठीक है कर देंगे। धर्मवीर, हम रीति रिवाज से रिश्ता मांगने के लिए आए और तू इसे नकार रहा है, मैं तुझे शाम तक का टाइम देता हूँ, इस दौरान तू खुद अपनी बहन को हमारे घर की बहू बनाकर भेज देना, वरना चाहे खून की नदियां ही क्यों ना बह जाएं, कल सूर्योदय होते ही विजय मीना के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भवानी सिंह नहीं। चलो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। तो तुम दोनों यहाँ हो? आ? क्या कर रहे हो? हम लोग कपड़े धो रहे हैं। You are correct. बहुत दिनों से मुझे एक संदेह है। कैसा? पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है हाँ? तो जो आदमी बहुत तड़पता है वही उसका असली पति होता है, ये बात तो मैं जानता हूँ। हाँ? लेकिन जब मेरी पत्नी की डिलीवरी हो रही थी तो ये श्याम लाल कुछ ज्यादा ही तड़प रहा था, ऐसा क्यों? ओहो, मैं बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, जो भी हो बता। तो बताऊं? हाँ बता। तेरी पत्नी का तू पति नहीं है, वही उसका पति है, तू तो रबर स्टैंप है। आ? क्या कहा तूने? मेरी धनो ने दिल मेरा ये तोड़ दिया, टंडे न कटे, टंडे न कटे, हाँ तोड़ दिया, टंडे न कटे, दिल तोड़ दिया, टंडे न कटे। अरे ये कौन है बेमतलब का ताल ठोक रहा है? अबे इधर देखना, तेरे हाथ में क्या तबला है? ए, अपने हाथ में इतना बड़ा पत्थर लेकर क्यों खड़ा है? मुक्केबाज,
तुझ पे मैंने कितना विश्वास किया था और तूने मेरी पत्नी पर हाथ डाल दिया। ऐसा मत करना यार। ओहो, टांग तोड़ दी। अब तो मैं कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। भैया, मीना को उसका भाई आज ही गाड़ी में डालकर बराबर के गांव में ले गया है। कल सुबह राजू बिहारी के बेटे से उसकी शादी कराने वाला है। क्यों रे, अपने गांव से इस गांव में आकर धमाल मचाने आए हो? मैं ये शादी क्यों रोकूं? मेरे हथियार ला कर दो। हथियार उठाना मैं भी जानता हूँ, और जब उठा लेता हूँ तो क्या होता है ये तू भी जानता है। धर्मवीर, ये सब कौन है? शादी काहे के रोकने के लिए कर रहे हैं? दरअसल बात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। काका, हम बराबर के गांव से आ रहे हैं। मेरा नाम है भवानी सिंह। मेरा ये भाई और धर्मवीर की बहन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये जानते हुए भी जबरदस्ती अपनी बहन को इस गांव में ये धर्मवीर लाकर किसी और से शादी कराने की कोशिश कर रहा है। भला ये कहाँ का न्याय है? का बिटिया, ये जो कहते हो सच है? जी हाँ, सच है। इस गांव में इज्जत से रहता है, सब मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा खानदान ऐसा रहा, इस खानदान में लड़की देवे के हमें सोचे के पड़ा था। अब हम का करी समझ में नहीं किया। जल्दी से मंगलसूत्र पहनाने को कहो। बेटा, शादी के सारे रस्म पूरा हो गए हैं। लड़का मंडप में बैठ चुका है, अब ऐसा में शादी रोकना हमारा। अरे रस्म पूरे हो गए तो हम क्या करें? तुम लोग ये शादी रोकते हो कि नहीं ये बताओ। ये शादी नहीं रुकेगी, जो करना है कर लो। एक एक को मार डालेंगे, हम भी तुम्हें काट डालेंगे। मेरी बात सुनिए, ये दो परिवारों की समस्या है, इसे दो गांव की समस्या ना बनाए तो अच्छा होगा। तो हार कहना सही है बेटा, अब हम का करें तो ही बताया। काका, इसने प्यार किया इसलिए इसका भी हक बनता है, मंडप में बैठा इसलिए आपके बेटे का भी हक बनता है। जर जोर जमीन वीरों की होती है, ये यहाँ की परंपरा है। इसीलिए उस जमाने में लड़कियां वीरों के साथ भी आई जाती थी। लेकिन इस समस्या के लिए दो गांवों का भिड़ना ठीक नहीं होगा। आपके बेटे को मेरे इस भाई से भिड़ने दो, इसमें जो भी जीतेगा वही उस लड़की को मंगलसूत्र पहनाएगा। ठीक है बेटा, ऐसा ही करते हैं। बेटा, जैसे तू करे के कहला, ये दोनों में से कौन ही मंगलसूत्र उठावे वही के लड़की होए। विजय, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस मुकाबले को जीतकर पूरे गांव का नाम रोशन करना। मैं भवानी सिंह का भाई हूँ, हारना हमारी शान के खिलाफ है। मुझे आशीर्वाद दो भैया। पिताजी, उसका सर काटकर मैं ये मंगलसूत्र उठाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चक दे इंडिया, हटो पीछे। आप बैठिए पहलवान जी। Thank you.
विजय मंगलसूत्र पहना दे। कल सुबह ये शादी मैं अपने गांव में करके दिखाऊंगा। अगर माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखाऊंगा। क्या मालिक, इस गांव में शादी हो जाएगी ये सोचकर हम लोग यहाँ आए और यहाँ भी हम ये शादी नहीं करा पाए और ऊपर से ये भवानी सिंह आपकी बहन को भी अपने साथ ले गया। मालिक, अब ये शादी आप कैसे रोकेंगे? रोकूंगा, ये शादी रोक के दिखाऊंगा। विजय, माँ और मीना को शहर ले जाकर इन्हें जो पसंद आए वो खरीदवा देना। ठीक है भैया। हाँ बेटे, आज तक इस गाँव में ऐसी शादी नहीं हुई होगी जो तेरा भाई कराने वाला है। और सुन, मेरी बहू की शादी का जोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो। हाँ, भवानी, हाँ। तू पुरोहित को बोलकर आ जा। हाँ। पिताजी, मेरी शादी में किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। आप और माँ मंगलसूत्र उठा कर देंगे और मैं इसे गले में पहनाऊंगा। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? भाई किसका है, ऐसे ही बोलेगा। विजय, टाइम हो गया, जल्दी जा। माँ जल्दी जाओ। ठीक है। हाँ, जाओ, जल्दी जाओ। पिताजी, मंडप में जाकर एक नजर देख कर आ जाता हूँ। ठीक है बेटे, जा जल्दी जा। इतनी साड़ियों में से आपको कोई साड़ी पसंद नहीं आई? रुको ना भैया, जल्दी क्यों मचा रहे हो? मेरे बेटे की शादी है, अपनी बहू के लिए सबसे बढ़िया साड़ी खरीदूंगी। औरतों के साथ व्यापार करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें काय का मुश्किल होता है? ऐसा बोलोगे दूसरी दुकान में चले जाओगे। हाँ। यहीं से खरीदिए। अच्छा, वो क्या है? लाओ भाई, लाओ वाले, लाओ। हाँ, ये लीजिए, देखिए। इसे छुपा कर रखा हुआ था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रखे देखूं तो? हाँ, इसमें जरी बहुत ज्यादा है।
मेरी बच्ची बिल्कुल अप्सरा लग रही है। क्यों रे, तुझे पसंद है ना? आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर यही ले लेते हैं, इसमें क्या है। यही वाली दे दो भैया। हाँ तो अब चले बेटे। थोड़ा रुको ना माँ। माँ ये साड़ी देखो, अच्छी है ना? वो किस लिए बेटे? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं अपनी शादी पर खरीदवा कर दे रहा हूँ। पीला रंग है, तुम पर बहुत जचेगा माँ। जब तुम ये साड़ी पहनोगी ना तो पिताजी तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएंगे। भवानी, शादी के मंडप में गया था, सारी तैयारियां हो गईं? और ये क्या, शहर से वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? शादी की मिठाइयों का पूरा इंतजाम हो गया ना? क्या बात है भवानी, मैं पूछी जा रहा हूँ तो कोई जवाब। बेटी, किसी भी लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है शादी करके सुहागन बनना, और वो मरते दम तक सुहागन बनकर ही जीना चाहती है। भैया भगवान का नाम लेकर सिंदूर दीजिए। बेटी, कल ये मंगलसूत्र में लगकर तेरे गले में पड़ेगा। मेरे बेटे भवानी सिंह का दिया हुआ वचन पूरा होगा। घर में अगर कोई मर जाए तो एक साल तक उस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। क्यों ठाकुर, जानते हो ना, मैं ये शादी का मुहूर्त उल्टा करके जा रहा हूँ। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्रियाकर्म करता है या अपने भाई की शादी करता है, देखता हूँ। नटराज। हाँ भैया। मैं जरा घर होकर आता हूँ, सब संभाल लेना। ठीक है भैया। भैया देख लेना। हाँ ठीक है भैया। पिताजी। भवानी, तू मुझे एक वचन दे बेटे। किस लिए पिताजी? जिस घर में मौत होती है उस घर में एक साल तक शादी नहीं होती है बेटे, पर ये शादी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कैसे पिताजी? तू क्या करेगा क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तेरी माँ के सुहागन रहते हुए ये शादी होनी चाहिए, ये तेरे पिताजी की आखिरी इच्छा है बेटे। भवानी, मेरी बहू के गले में मंगलसूत्र डालने के बाद ही तेरी माँ के गले में पड़ा मंगलसूत्र उतरना चाहिए, ऐसा मुझे वचन दे बेटे। संभल कर उतर बेटी, आ जाओ जल्दी आओ, मुहूर्त से पहले मंडप पहुंचना है। भवानी क्या बात है बेटे, तू कहाँ था? मंडप में शादी के सारे इंतजाम ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ये देख बेटे, अपनी बहू के लिए मेरे मंगलसूत्र जैसा ही उसके लिए भी लेकर आई हूँ। ये देख दोनों एक जैसे ही है ना? क्या हुआ बेटे, आज मुझे पहली बार देख रहा है जो इस तरह से देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं माँ, बालों में कचरा, माथे पर जब बिंदिया के साथ आपको देखता हूँ तो आप बहुत अच्छी दिखती है माँ। ये गजरे और बिंदिया के साथ मैं हमेशा तेरे बाप की छाया में रहना चाहती हूँ, बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ये बता तेरे पिताजी कहाँ है? दरअसल माँ बराबर के गाँव में,
मेरे हाथों एक शादी करवाना चाहते थे। मैं शादी के मंडप में था इसलिए पिताजी चले गए। हाँ, बेटे की शादी से भी बढ़ गई, उनके लिए उनकी शादी जरूरी हो गई, जो वो मुझसे भी बिना बोले चले गए। वो मुझसे बोल कर ही गए माँ। माँ, विजय और मीना को शादी के मंडप में ले जाके वहाँ के मुहूर्त का काम संभाल लो। पिताजी के आते ही मैं उन्हें वहाँ ले आऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना बेटे। भैया, शहर से मैं पिताजी के लिए भी नए कपड़े लेकर आया हूँ। जब वो आए तो बोलना ये पहनकर बिल्कुल दूल्हे की तरह बनकर आए। वो मंगलसूत्र उठाकर देंगे तभी पहनाऊंगा। हाँ चल बेटी, हम कपड़े बदल के जल्दी चलते हैं। कुछ भी करके शादी करवा देना बोलकर पिताजी ने मुझसे वचन लिया है। पिताजी मंगलसूत्र उठाकर देंगे तो ही शादी करूंगा, ऐसा ये बोलकर जा रहा। मैं क्या करूं, कैसे करूं? यहाँ बैठो ना। अरे ये क्या बेटे, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा 16 सिंगार करने वाली हो? आप हमेशा बहुत सुंदर दिखती हैं माँ। अरे छोड़ ना बेटे। ये क्या माँ जी, हाँ? इतनी बढ़िया साड़ी पहनी हुई है, मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया? हाँ, नहीं लगाया। अरे हाँ, मुंह धो के आई थी ना तो भूल गई। भैया, माँ को देखो, बिल्कुल महालक्ष्मी लग रही है ना। गाँव में जब भी कोई त्योहार होता है तो मैं तेरे पिताजी के साथ ही जाती हूँ, उनके बिना मैं आज तक कहीं नहीं गई। जल्दी लेके आ जाना बेटे, चलो। पार्वती जी, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, वर वधु को जल्दी आने के लिए कहिए। कोई बात नहीं भैया, पहले उन्हें आने दीजिए। पार्वती जी, मंगलसूत्र उनके आने के बाद पहनवा देना, पहले लड़का और लड़की दोनों को मंडप में लाके बैठाइए ना। हाँ हाँ, जल्दी बुलाइए ना उनको। अब कहीं जाकर मेरी जान में जाना है। बाप रे। माँ, पिताजी आ गए हैं, मंगलसूत्र पहनाने को कहो। ये तो क्या कह रहा है,
वो अभी तक गाड़ी में बैठे हुए हैं। तू मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोल रहा है? क्यों, उन्हें क्या हो गया? दरअसल माँ, हाँ? पिताजी इसी गाड़ी में बराबर के गाँव गए थे ना, सिर में दर्द है इसलिए वो गाड़ी में बैठे। तेरे पिताजी को क्या हुआ है? वो माँ, दरअसल ऐसा कुछ नहीं। जल्दी बता माँ, उन्हें हुआ क्या है? सर में दर्द है इसीलिए वो गाड़ी में बैठे। नहीं, बता उन्हें क्या हुआ है, जल्दी बता क्या हुआ है उन्हें, सच सच बता क्या हुआ। माँ, तू रो क्यों रहा है? अरे तू रो क्यों रहा है? सुनिए, सुनिए, सुनिए। पिताजी, तो तुम चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे, भवानी, बेटे, ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे घर में शादी का जश्न मनेगा या मैयत का माता मनेगा बोलकर वो धर्मवीर पिताजी को मार के चला गया। तुम्हें इस हालत में घर में रखकर मैं सच सवर रही थी। तुम्हारा मन कैसे माना मुझे अकेला छोड़ के जाने के लिए? अब मेरे किस काम का ये सोना सिंगार, किस काम का विद्या, किस काम की ये मंगलसूत्र, किस काम का? माँ, पिताजी ने दम तोड़ते समय मुझसे कैसा वचन लिया था पता है? कैसा वचन? आप सुमंगली रहकर ये शादी करवाएंगे, ऐसी पिताजी की आखिरी इच्छा थी। मेरी बहू के गले में मंगलसूत्र डलने के बाद ही तेरी माँ का मंगलसूत्र उतरना चाहिए, ऐसा बोलकर वो चले गए। क्या कहा था इन्होंने? मेरी बहू के गले में मंगलसूत्र डलने के बाद ही तेरी माँ के गले से मंगलसूत्र उतरना चाहिए, ऐसा कहा था। सुनिए, मैंने आपके जीते जी भी कभी कोई आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं की और आज भी नहीं टालूंगी। जैसा आपने चाहा वैसे ही मैं ये शादी करवाऊंगी, करवा के रहूंगी। बेटे, अपने पिताजी को उठा। विजय, मंगलसूत्र पहना। रुक जाओ। मिस्टर भवानी, तुमने अपने बाप का खून किया, ऐसे हमें रिपोर्ट मिली है। किसी की गलत रिपोर्ट सुनकर आए हो इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर, इससे क्या बात कर रहे हो? पंचायत ने आपको रिपोर्ट दी है ना, अरेस्ट कीजिए। इन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाइए इंस्पेक्टर। नहीं इंस्पेक्टर, पहले मेरे भाई की शादी होने दो, उसके बाद जो चाहे वो करना। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चुपचाप थाने चलो। मेरी बात मानो इंस्पेक्टर। हथकड़ी पहनाओ। पुलिस वालों को गाड़ी में बैठने को बोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी बैठने को बोल। अरे इंस्पेक्टर, सब गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी जाके बैठो। हे नटराज, सबको गाड़ी में बैठा। चलो चलो जल्दी चलो, शादी में जाना है। चलो चलो चलो।
जिस शादी को रोकने के लिए तूने मेरे पिताजी को मार डाला वो शादी अब तेरी आंखों के सामने होगी। विजय मंगलसूत्र पहना। मेरे पिताजी को जब मारा मैं तुझे तभी मार सकता था। ये शादी होने तक के लिए ही तुझे छोड़ रखा था, पर अब भवानी नहीं बेटा ऐसे मत कर बेटे। तू अगर इसे मार देगा तो क्या तेरे पिताजी वापस जिंदा हो जाएंगे? इसे छोड़ दे बेटे। ऐसा मत बोलो माँ जी। ऐसे वहशी दरिंदे को अगर जिंदा छोड़ दिया तो आपकी जैसी कितनी ही माताएं विधवा का जीवन बिताएंगी और मेरे जैसे कितने ही बाप अपने बच्चों को खोएंगे। भवानी इसे जिंदा मत छोड़ना, मत छोड़ना। मैंने पिताजी को दिया वचन पूरा किया, अब जेल जाने की मुझे कोई चिंता नहीं। विजय अब मां की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। शादी मुबारक हो। अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो सहदेव, वो सब ठीक कर देगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम चले जाओ और दोबारा यहां मत आना। जाओ यहां से सहदेव। चल चल बहुत, अंदर जा, अंदर जा वरना तू। सहदेव जैसे इंसान का आपको अपमान नहीं करना चाहिए था। क्या कहा तूने? ए फारगन बिल्ला, सुनना मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। कहाँ जा रहा है तू? बोल, मुझसे क्या काम है? कितने साल गुजर गए अब तक तूने मेरी बात नहीं मानी। ओ, अच्छा अच्छा वो बात याद है मुझे। सिर्फ याद रखने से क्या होगा, उस बात को तो आज 3 साल हो गए हैं। इस बीच में मुझे कितना काम था, फिर इलेक्शन हुआ, मैं बिजी हो गया, इन काम के लिए मेरे पास टाइम थोड़ी था। बात बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ तू जल्दी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले और बच्चे पैदा कर ले। क्या चल रहा है, क्या बोली तू मुझे? आखिर मुझे तो बताओ किसके शादी की बात हो रही है। क्यों, तुझे बताना जरूरी है क्या? मत बता, मगर उसके लायक कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। वो क्यों? तेरा बेटा भी छोटा है। छोटे बेटे के बारे में बात कर रही है? वही छोटा बेटा जिसकी उम्र 50 साल की हो चुकी है।
अरे मेरा बेटा कब 50 साल का हो गया? अरे नालायक कहीं की, अभी तक मेरी उम्र 50 साल की नहीं हुई है। ठीक है, शायद तुम दोनों की उम्र मिलाकर 50 साल की होगी। अरे ये क्या बोल रही है तू? आप जरा रुकिए, क्या आपको मालूम है इसकी असली उम्र क्या होगी? अरे मुझे इन सब बातों से क्या लेना बुढ़िया। अरे क्या बोला देता हूँ, दोबारा मुझसे ये सब मत कहना। सुन रे, तुझसे कह रही हूँ, कहाँ चली रे तू? तेरा मैंने कुछ बिगाड़ा था क्या? दू क्या कान के नीचे? हाँ? मारेगी? जा, मार रही है तू मुझे? अभी तो तू चली जा, कल देखती हूँ मैं तुझे। हाँ हाँ कल देख लेना। रुबाब करती है थू। क्या हुआ बुढ़िया, डर गई क्या? अच्छा ऊपर आकर दिखा, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल जा यहाँ से, भाग यहाँ से। तो फिर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता होगा। हाँ वो तो है, ये सब काम तो मुझे हमेशा करना ही पड़ता है। तुम चाहे मुझसे जो भी काम करवा लो, मैं वो करके ही दिखाता हूँ। आप कर सकते? बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ। शादी की बात छोड़ के मुझसे कुछ भी करवा लो। केला चाहिए? हाँ। हाँ। शादी एक मुसीबत है, एक तो पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो। हाँ। फिर खर्चे भी देते रहो। बिल्कुल सही कहा सदैव। क्या हुआ विनय? सब्जी तरकारी के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे आपसे। यवराज ने मुझे अब तक पैसे ही नहीं दिए। सुबह बोर्ड पर गया था, उस दाढ़ी वाले ने सब्जी ही नहीं दी, कुछ भी नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? कोई बात नहीं। हाँ? मुझसे ले ले। हाँ। ए, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम लोग? जा, ए, इधर आना। ए, तेरे से कह रही हूँ, इधर आ। हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रही है? ए प्रियवर, इधर आना मेरे पास, डर क्यों रहा है? मैंने तो उसे कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, फिर तू यहाँ क्यों आई है? मेरा दिल हुआ कि मैं तुझसे यहाँ मिलने आऊँ। कवरम में, मेरी सबसे प्यारी कवरम में। देख ना ये बच्चे मुझे कैसे चिढ़ाते रहते हैं। तू तो मुझे बहुत प्यार करता है ना, फिर मुझे ताले में बंद करके क्यों रखता है तू? मुझे दिल में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ आ गई। मैं कौन हूँ तुझे मालूम है ना? मुझे सब मालूम है, तू मेरी इज्जत मत उतार। अरे तो बताना, सबको बताना कि मैं तेरी कौन हूँ। मेरी बीवी है। नहीं, मैं सिर्फ मिसेस फॉरगिवन बिलना हूँ, इसकी बीवी। मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। घर नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल मेरे साथ, हम लोग घूमने जाएंगे कहीं। चलना, मैं अभी आता हूँ। चलना मेरे साथ, चलना कहीं, घूमेंगे, मस्ती करेंगे। बेचारी, पता है बहुत बड़े घर की लड़की है ये। जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। हाँ हाँ। अरे अलीशा, कर ले झाड़ू, अच्छे से कर ले। चुप हो जा बुढ़िया, सब सुनेंगे तो हंसेंगे तुझ पे। मुझ पे हंसेंगे? नहीं तो क्या, मुझ पे? किस पे हंसेंगे ये मैं तुझे बताती हूँ। हाँ तो बता। मेरे बेटे की शादी की उम्र अब निकल चुकी है, उस दिन यही बोली थी ना तू? मैं बोली थी और बोलूंगी। क्यों बोली थी? 40-50 साल की उम्र होने को आई और अब तक उसकी शादी नहीं हुई, इसलिए बोलूंगी। अरे मेरे बेटे को तो दोबारा 40-50 साल का बोली, अब तू मेरी बात सुन। तूने शादी के बाद कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तेरी शादी को इतने साल हो गए लेकिन तूने अपने पति को अब तक एक बच्चा तक नहीं दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? है सच कह दूं? लेकिन तू सच को सहन नहीं कर पाएगी, तू तो बांझ है बांझ, समझी? चुप कर बुढ़िया, उठ यहाँ से, उठ। ला वो बच्चा मुझे दे। अब मैं तुझे बताती हूँ, अब इस बच्चे को देख, देख गौर से देख। मैं क्यों देखूं? इसका चेहरा किससे मिलता है बता सकती है? ए, क्यों बोलती बंद हो गई? आई बड़ी जानती है ये यवराजन की बेटी है, तुझसे शादी करने के बाद विनय ने इससे संबंध बनाए। बेटी एक बात बता, विनय तुझसे कितने दिनों से मिलने नहीं आया? एक महीने से। अरे एक महीना, कुछ सुना क्या? एक महीने से, देख जरा अपने पति की गलतियाँ। हे भगवान, क्या घोर कलियुग आया है, अब कुछ नहीं कहेगी क्या? इस तरह मुंह लटका कर खड़ी है? चल इसे अब अपने घर के अंदर लेकर जा, नहीं तो इसकी बद्दुआ लगेगी तुझको। बड़ी नाक लगाती थी तू, बड़ी आई मेरे मासूम बेटे पर कीचड़ उछालने वाली, खुद का दामन तो साफ कर। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये जो कह रही थी क्या वो बात सच है? अगर ये बात वाकई सच है तो सही में ये बच्चा विनय का ही है? जी हाँ। मेरे बारे में उसने तुम्हें कभी कुछ भी नहीं बताया?
आपके बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। एक महीना हो गया है वो मुझसे मिलने नहीं आया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा किया, अब तुम जाओ, मैं उसे जरूर भेजूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। क्या वो बच्चे को लेकर आई थी? तो उसमें क्या हुआ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। भला इसमें उस मासूम की क्या गलती, बिल्कुल तुम पर गया है, गलती सुधारी भी जा सकती है। अलिशा, सबसे पहले कल मंदिर में जाके तुम उससे शादी करो और बच्चे को अपना नाम दे दो। अलिशा, चलो खाना खाते हैं, आओ ना साथ मिलकर खाएंगे। बस थोड़ा और। अलिशा तुमने खाया? मैं बाद में खा लूंगी। पूरा मत मानना, क्या वो भी तुम्हें इतने प्यार से खिलाती है? अलिशा, कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ, खाना खा लो। देखो आज तो बाहर बहुत ही ठंड है, अंदर चलो। मैं कह रही हूं ना चलो। मैं कुछ कहूं? कहो ना। जब पहली बार मैं घर में आई थी तो मुझे बच्ची बुलाते थे, बच्ची। आज फिर से कहो ना। अलिशा, एक बार कह दो ना। बच्ची बच्ची। एक बात कान खोल कर सुन ले। एक ही शब्द में जवाब दो, हाँ या ना। किसी और भाषा में पूछो क्या, मुझे जवाब चाहिए। आप यहाँ? घबराने की कोई बात नहीं है, तुझसे कुछ काम था इसलिए यहाँ पर आया हूँ। क्या काम है मुझसे? तुझे मेरे लिए किसी को टपकाना होगा। नो। पंजाब का होटल बिजनेस मेरी ही मदद से तूने शुरू किया था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आज कुमार मास्टर तेरे लिए मुझसे बड़ा हो गया। एक छोटा सा होटल, ये घर, एक अच्छा आदमी, एक खुशहाल जिंदगी। बहुत खुशी हुई ये सब देखकर। सहदेव, ये बात कभी मत भूलना कि ये चंद्रू तुझे चुटके में मिटा सकता है, जिंदगी भर याद रखना। चंद्रू? मुंबई में तू एक भाड़े की छोटी सी खोली में रहता था, याद है तेरे को? अब तेरी ये 45 साल की उम्र, याद रखना मेरे हाथ में है। तू चाहे कहीं भी चला जा, या तो पुलिस से चाहे जितना छुप ले,
अगर कोई तुझे जेल जाने से बचा सकता है तो वो सिर्फ चंद्रू है, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। बोलो करना क्या है? तुझ पर मेरी एक उधारी बाकी है, कहीं वो भूला तो नहीं? आज उसे उतारने का वक्त है। कहीं और चलकर बात करें? अब ध्यान से सुन, फादर जोसेफ के स्कूल में राधा नाम की एक टीचर है, फादर उसको बेटी समझता है। हॉस्टल वालों की तरफ से उसे कॉटेज दिया गया है, वहां वो अकेली रहती है। ये उसके फोटो, वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। और ये बात याद रहे कि ये काम सिर्फ एक ही दिन में होना चाहिए। मगर मैं... स्टॉप इट, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं सुनना है। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? पहली दफा तो नहीं कर रहा, पहले भी तू बहुत सारे लोगों को टपका चुका है। बंबई में क्या करता था, भूल गया क्या? लेकिन मेरे भाई, सारे एहसानों को भूल गया क्या? सॉरी। तुझ पर पूरा यकीन करता हूं, तो इस चंद्रों को कभी धोखा नहीं दे सकता। अंग्रेजी तो हमें भी आती है, लेकिन हम हिंदी में बात करेंगे। कौन हो तुम? सदैव, तुम मुझे नहीं जानते। नहीं, अगर मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें विश्वास नहीं होगा। आखिर किस काम के लिए मुझे यहां पर भेजा गया था जानना चाहोगे तुम? राधा को मारने के लिए तुमने मुझे बुलाया था। मैंने बुलाया था? व्हाट यू मीन? सॉरी, मुझे नहीं, चंद्रू को बुलाया था। तुमने यह काम चंद्रू को सौंपा था। चाहते क्या हो ये बोलो। नेताजी, आप मुझे क्या दे सकते हैं जो दूसरे का हक छीनते हैं? ना ही मुझे आपको मारना है और ना ही आपका पैसा मुझे चाहिए। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं जिस काम से यहाँ पर आया हूँ, अब वो मुझसे नहीं होगा। मैं ये काम नहीं करूँगा। उसमें हम दोनों का फायदा है? नहीं, सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि नारायण कुट्टी राधा अब मेरी जिम्मेदारी है। और कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, ये बात अच्छी तरह याद रखना। वो पहले बेसहारा अबला नारी थी, लेकिन अब नहीं। और मैं अपना हाथ तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहता हूं नेताजी। सुनो, तुम किससे बात कर रहे हो पता है तुम्हें? मालूम है, और इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हारे जैसे 40-45 को मैं आसानी से मार सकता हूं, पर फिर भी मैं तुम्हें इन बातों से आगाह कर रहा हूं। मेरी बात मान लो वरना पछताओगे। अगर मेरी जान भी चाहे तो यस, मैं राधा को बचाऊंगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। स्टॉप इट। सी यू। सी यू। बस यही कहना था राधा, चंद्रू ने मुझे यहाँ पर भेजा था मेहता जी के कहने पर। वो सब तो मैं समझ गई, मगर सहदेव, तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी कैसे इस काम में आ गया? अच्छा आदमी? यस, पहले मैं भी एक अच्छा आदमी था। चार साल मैं बंबई में रहा और वहां पर मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे एक नौकरी भी दी और रहने के लिए घर भी दिया। मेरी पहली पगार लेकर मैं बाल एटन के पास चला गया। ज्यादा कुछ नहीं, इस दादर में बाल एटन ने पूरी जिंदगी गुजारी है। 3 साल इसी फुटपाथ पे सोकर दिन गुजारे हैं। आज मुझे 18 साल हो चुके इस शहर में अपना धंधा बिजनेस करते हुए, समझा तू? वो बालटन मैं हूं, मैं कभी किसी से नहीं डरता। इधर सबसे ज्यादा रुबाब मेरा चलता है। मेरी बात याद रख, किसी से डरने का नहीं, सबको डराने का, ये अपना उसूल है। मेरी बात समझा तू? बालटन बहुत खुश लग रहे हो तुम। हाँ रे, तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैं अभी आता हूँ। बैठो ना बालटन। तेरे लिए भी लेकर आता हूँ। रहने दो बालटन, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं बालटन, नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, आज मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। मेरी बात मान ले, आज मेरे पास पैसे भी हैं।
ऊपर देख के चलता है, साले मर जाएगा फुट या तो फट। तू मुझे मारेगा? देखो ये मेरा रोड है, मैं किधर भी देखकर चलूंगा, समझे? मरना है तो ट्रक के सामने आना, हमें जल्दी है जाने दे। तू पहली बार बोला मैंने सुना, अगर तू दोबारा बोला तो मैं क्या कर लेगा अभी तू? बालेटन, 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 बाले। कमीने, किसी ने हमारे साथी को मार डाला और तू बुजदिलों की तरह भाग आया, कुत्ते के बच्चे। चंद्रू क्यों रोक रहा है? वहाँ पुलिस आ गई थी इसलिए भागना पड़ा। कौन था वो आदमी? नहीं पता। किसने मारा? नहीं मालूम। नहीं मालूम, जो भी हो लेकर आओ। रामू उसका पता तुम लगाओगे, जाओ उसे पकड़ के ले आओ, जाओ। कौन है? तुम्हारा बाप, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किधर गया साला? वो पूरा ऊपर है, चलो चलो जल्दी करो। तूने क्या सोचा हमसे पंगा लेकर तू बच पाएगा? तुझे इस गलती की सजा मैं दूंगा। ये इलाका चंद्रू का है, मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। जमीन आसमान एक कर देता तुझे ढूंढने के लिए।
सर। इन सब से बचने के लिए एक ही रास्ता है, जो मारा गया उसकी जगह हमारे पास तुम आ जाओ, यही हमारा असूल है। हमारे हाथ में आया हुआ दुश्मन इतनी आसानी से नहीं जा सकता, ये एक बात हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा या नहीं? पैदाइशी कोई बुरा इंसान तो नहीं होता, ये समाज उसे बुरा बना देता है। यहां रहने वाले कुछ लोग जैसे कि चंद्रू, इनके जैसे लोग समाज को गंदा करते हैं, जिन्हें काट कर हमें फेंकना होगा। इस बुराई के दलदल से मैं अब बाहर निकलना चाहता हूं। राधा तुम जाओ, जाओ प्लीज। प्रदीप नहीं, तुम्हारा दुश्मन। तूने क्या सोचा तू मुझसे बच पाएगा? इतनी आसानी से तो नहीं। गांव में, शहर में, तू कहीं भी जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रदीप मेरी बात तो सुन। प्रदीप नो।
बात भी करो, बहुत हुआ। मैं मानता हूं मैंने तेरे बाप को मारा, मैंने इन्हीं हाथों से मारा। तू सिर्फ तेरे बाप के बारे में जानता है, जिनके साथ मिलकर वो काले धंधे करता था वो तू नहीं जानता है। कॉलेज में तुम्हें जो मनी ऑर्डर के पैसे मिलते थे वो लोगों के खून से हासिल होते थे। वैसे एंड्रू अच्छा आदमी था, पर चंद्रू ने उसे बुरा इंसान बनाया। चंद्रू और एंड्रू अच्छे दोस्त थे। तेरे बाप को मारने के लिए चंद्रू ने कहा था मुझे। अगर तुझे झूठ लगे तो जाकर तू चंद्रू से सदैव के बारे में पूछ ले, वो चाहे तो तुझे भी मार सकता है, इसे भी मार सकता है। जिस चाकू से इसने तेरे बाप को मारा उसी चाकू से ये तेरे दुश्मन को भी मार सकता है, आगे तेरी मर्जी, मुझे क्या। चंद्रू को सारे बुरे काम सौंपने वाला मेहता जी और वो बहुत पावरफुल है, क्या सोच रहा है? तुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ? मेरे बेबी एक अच्छे खानदान का खून है, समझे? तो मुझे थोड़ा वक्त दे, एक लड़की की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं यहां से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा, सच्चाई एक दिन तेरे सामने होगी। आई एम सॉरी। वेलकम सहदेव। तू भी इसका साथ दे रहा है ना? कोई बात नहीं, अंधेरी की एक झोपड़पट्टी से आधी रात को जब तू अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहा था ना, तब मैंने तुझे बचाया। भूल गया क्या? क्या सोच रहा था तू मुझे धोखा देकर आसानी से बच सकता है? ऐसा गलती से भी मत सोचना चंद्रू। नो, याद रखना तुझ पर मेरा सिर्फ एक कर्ज बाकी है, आगे तेरी मर्जी। ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि तू राधा नाम की एक लड़की के लिए इतना फिकर कर रहा है। हाँ है फिकर। वो क्यों, तुम्हें से क्या? कुछ नहीं, खैर मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आखिर चंद्रू और सहदेव में आखिर फर्क क्या है? मैं तेरी जैसा कभी नहीं आया हूं। सही कहा। मैं यहां नहीं आता तो अच्छा होता है ना? चंद्रू के अंदर एक अच्छा इंसान भी है, ये आज पता चला। कोई और अगर मुझे आकर ये सब बताता तो मुझे इन बातों पर कभी विश्वास नहीं होता, पर अब मैं क्या करूं? आखिर मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने हुए? 30।
चंद्रू गो। आज तो वो बच गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। चंद्रू चुप नहीं बैठेगा, वो फिर वही करेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। आखिर हम लोग इस झमेले में क्यों पड़ रहे हैं? उसकी फिक्र करने वाला कोई और भी तो होगा। कैसी बात कर रहा है? तूने मैंने बंबई में रहकर यही सब तो किया था हमने। आज राधा की जान बचाकर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। तो फिर उसे कहीं और रखना होगा, यही एक रास्ता है। यस। राधा तुम्हें कहीं और रहना होगा। कहां पर? किसी अच्छे से जगह पर जहां तुम सेफ हो। एक बार तुम उनका शिकार होने से बच गए, ऐसा बार बार नहीं होगा। चंद्रू, वो और मेहता जी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, राधा तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। कुछ ही दिनों की बात है, देखना सब कुछ टल जाएगा। मैं जानती हूं, इसीलिए खुद ही अपने आप को मारना चाहती थी। अगर मैं मर जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। राधा, मेरा कोई भी नहीं है सहदेव। मैं हूं। मेरे दिल में तुम हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। राधा, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सहदेव, उस रात राधा तुम्हें मरने से बचाया, जिंदगी में पहली बार लगा मैंने कुछ अच्छा काम किया है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अब मैं बुरा काम नहीं करना चाहता। आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस यू राधा। मेरा कोई और नहीं है, आई कांट मिस यू। कहां जा रही हो राधा? फादर, आई नीड योर हेल्प। किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें, बोलो, टेल मी। राधा की जिंदगी को खतरा है, कुछ दिनों के लिए मैं इसे कहीं और रखना चाहता हूं। क्यों और किस लिए ये मत पूछिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप इसका ख्याल रखिएगा। बाकी सारी बातें राधा आपको बता देगी। थैंक यू फादर, चलता हूं। जल्दी वापस आऊंगा। काम हो गया? नहीं नहीं, चंद्रू नाम का एक आदमी था जिस पे मुझे भरोसा था, पता नहीं उसे क्या हो गया। काम हो जाएगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, उसे जल्द से जल्द करना होगा। उसका जिंदा रहना मेरी जिंदगी के लिए कितना खतरा बन सकता है तुम जानते हो। चंद्रू, एक बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे गले में फांसी लगी तो उन 100 खून का इल्जाम तुम्हारे सर आएगा, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं होगा,
चंद्रू अपना काम करना अच्छी तरह जानता है। Then what happened to you? मैं उसकी ये कहानी खत्म करने ही वाला था। I almost finished। मैं उसे मारने ही वाला था कि वो एंड्रूस का बेटा प्रदीप आ गया। प्रदीप यहाँ? Yes। मैं उसे मारने ही वाला था कि वो सामने आ गया। और मैं कुछ नहीं कर पाया। What do you mean? सहदेव, प्रदीप, रामू, इन लोगों ने उसे कहीं छिपा दिया है। कहाँ पर? वो कहाँ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन किसी से मैं उगलवा सकता हूँ। कौन है वो? नाम बताओ उसका, जल्दी। राधा को तुम लोगों ने कहाँ छिपाया है? मैं नहीं जानता। ये गहरी खाई देख रहा है ना, यहाँ तुझे फेंक दूंगा। किसी को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। कौन मरा, कहाँ से गिरा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चंद्रू, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मुझे बता दे कहाँ है, कहाँ है राधा। मैं बताता हूँ। मेहता जी। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग, आइए अंदर आइए। जी नहीं, बाहर ही बात करना ठीक रहेगा। आखिर बात क्या है? राधा को आपने कहाँ छिपा रखा है? What do you mean? देखो फादर, मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ तो अच्छे से बता दीजिए। ये सब बात मैं उगलवा भी सकता हूँ। मेहता है मेरा नाम, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। वो मुझे चाहिए, चाहे जहाँ भी हो। वो खुद भी तुम्हारे पास जाना चाहे ना, तो मैं नहीं जाने दूंगा। एक बात, मेरे दरवाजे पर दोबारा आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा मेहता जी। देखो फादर, ये मेरा और उसका मामला है, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? सही कहा मेहता जी, मुझे आपके मामलों में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं उसका साथ दूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैं मौत से नहीं डरता। आई एम सॉरी। जस्ट अ मिनट, आप तो क्रिश्चियन है ना, फिर एक हिंदू औरत की मदद करने की क्या जरूरत है? हर इंसान की मदद करनी चाहिए। मेरे खुदा ने भी हजारों इंसानों की मदद की थी, वो भी तो क्रिश्चियन थे ना। सिर्फ क्रिश्चियन की ही मदद करना, ये मेरे खुदा ने नहीं कहा। He did it for the sake of humanity. मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना है। I know it. Look here, father. राधा अगर मुझे जल्दी नहीं मिली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरता। फादर, तुम्हारा जो ओहदा, इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ। शायद आप अभी तक जानते नहीं मैं कौन हूँ। इस मेहता के एक इशारे पर कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। समझ गया। यू कैन गो मिस्टर मेहता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब तुम्हें पहचान चुका हूँ, और सच पूछो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेहता जी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, यकीन मानो वो बिल्कुल इस लायक नहीं है। अभी हम लोगों ने जहां पर राधा को रखा है वो जगह सेफ नहीं है, और मुझे इसी बात का डर है, पता नहीं आगे क्या होने वाला। आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, आज मैं यहां पर पूरी तैयारी के साथ आया हूं। लेकिन फादर, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं कुछ इंतजाम कर सकूं। लुक सन, अगर ऐसी बात है तो जैसा तुम ठीक समझो, बट ट्राई टू बी प्रैक्टिकल माई बॉय। अगर तुम राधा को बचाना चाहते हो तो उसे अपने साथ लेकर जाओ। फादर, अच्छे इंसान को पहचानने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, पर मेहता जी वो यहां जरूर आएगा, इस बात का मुझे यकीन है। मैं ये भी जान चुका हूं कि राधा को बचाने के लिए सहदेव ही काफी है, मगर याद रहे, मेहता जी किसी भी हद तक जा सकता है, वो जहां भी जाएगी उसकी बदनसीबी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। पहले उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। अब तुम ही बताओ बेटा, आखिर कौन थामेगा उसका हाथ? क्या तुम उससे शादी कर सकते हो सहदेव? ऐसा करने से घबराओगे तो नहीं? राधा से, अगर राधा राजी हो तो। राधा अगर राजी नहीं भी हुई तो मैं उसे समझाऊंगा सहदेव। फादर, मैं राधा से इस बारे में बात कर चुका हूं बेटा। मैं भी तैयार हूं फादर। गॉड ब्लेस यू माई बॉय, गॉड ब्लेस यू। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, फादर डिकोस्टा के लिए मैं एक खत लिख देता हूं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। तुम दोनों वहां चले जाना।
तू बिल्कुल फिक्र मत कर। और हाँ, तुम जा रहे हो ये बात हम दोनों और फादर को मालूम है, मगर अपना ख्याल रखना। चंद्र और मेहता जी के इस घिनौने खेल को हम संभालेंगे। प्रतीक, तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तू इस रास्ते पर कभी मत चलना। तू अच्छी जिंदगी जीना। मेरे लिए तूने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, है ना मेरे भाई? चलता हूं। राधा सदैव यहां से भाग रहे हैं फादर की मदद से। कभी? आज। इसके अलावा और भी कुछ जानते हो? नहीं। सच बोल रहे हो? बिल्कुल। रामू मेरे साथ चलो। मेहता जी। हाँ, कितना चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा मैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। रामू, सहदेव, मुझे तुम पर भरोसा है। अब से तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। अब तुम जाओ, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। फिक्र मत करो, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो अब तुम्हारा साथ खुदा देगा। मैं दुआ करूंगा। गॉड ब्लेस बेटा। कहाँ जा रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सवाल करने की? तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या करना है? अच्छा बताओ, तुम राधा को ढूंढने जा रहे हो ना? कौशल्या, हाँ। मुझे सब पता है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो तुम, और अब उसे भी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। उसने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? जिस लड़की से तुमने शादी की थी आज उसकी जान के दुश्मन क्यों बन रहे हो? मैंने तुमसे भी तो शादी की, जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ अपने मतलब के लिए। अब तुम्हारा भी पैकअप। तुम नहीं जाओगे। मेरे बीच में मत आओ। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूंगा। हटो रास्ते से। रामू, तू तो साथ देने वाला था, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, बोल बे, आखिर तूने ये सब किसके पैसों से बनाया? मेहता जी के? प्रदीप, ब्लडी माउथ यू चीट। पैसों से मेहता जी हमारा ईमान नहीं खरीद सकता। सदैव और राधा की हिफाजत करना हम दोनों का फर्ज है, ये भी तू भूल गया? और ये लेटर याद है कौशल्या ने दिया था फादर को देने के लिए? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भी तो मुसीबत में हूं, तुझे मेरी मदद करनी होगी। मुझे जीना है और इसीलिए शायद मैंने ये सारी मुसीबत मोल ली है। जिसका जमीर मर जाए वो कुत्ता कहलाता है। बस थोड़ी दूर है यहां से, यहां से नीचे उतरते ही स्टैंड पर पहुंच जाएंगे, वहां गाड़ी मिल जाएगी। चलो। क्या सोच रहा था, इतनी आसानी से जान बचाकर भाग जाएगा? चंद्रू, हमें यहाँ से जाने दो। नेवर, इतना आसान नहीं है। मैं जिसका भी नमक खाता हूँ उसका काम पूरा करता हूँ, ये याद रखना। चंद्रू,
मैं संभालता हूँ। गो, राधा को बचाना सदैव तुम्हारा काम है। गेट लॉस्ट। रामू, अच्छा हुआ तो आ गया। प्रदीप को तो मार डाला मगर वो लोग भाग गए। नो, वो बच नहीं सकते। मैं कभी कोई उधारी बाकी नहीं रखता। ये चंद्रू का उसूल है। चंद्रू, उधारी तो मुझे भी पसंद नहीं। Thank you.
चलो गाड़ी में बैठो।